हाँ फ्रेंड्स, आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का आज 10वां मैच खेला गया गुजरात और दिल्ली के दरमियान। बहुत ही जबरदस्त ये मैच रहा। इस वीडियो में सेकंड इनिंग की अपडेट शेयर करूंगा, होप कि आप एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से वीडियो की जाने। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का जोरों शोरों से आगाज हो चुका है। आज 10वां मैच खेला गया, बहुत ही जबरदस्त ये मैच रहा दिल्ली और गुजरात के दरमियान। दिल्ली ने आज टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला किया और गुजरात ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे मुकर्रर 20 ओवर में, और यूं 172 रन का टारगेट दिया दिल्ली को ये मैच जीतने के लिए। तो चलते हैं हम दिल्ली की बैटिंग को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसी रही आज उनकी बैटिंग। दिल्ली की जानब से पृथ्वी शाह और टेम्स शेफर्ट ने बैटिंग का आगाज किया। पृथ्वी ने 10 रन बनाए 7 गेंदों का सामना किया, एक चौका लगाया। फोगसन ने इनको आउट किया, विजय शंकर ने इनका कैच लिया। टेम्स शेफर्ट ने 3 रन बनाए 5 गेंदों का सामना किया, हार्दिक पांड्या ने इनको आउट किया। अभिनेक मनोहर ने इनका कैच लिया। मनदीप सिंह ने 18 रन बनाए 16 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए। फोगसन ने इनको आउट किया, मैथ्यू ने इनका कैच लिया। ऋषभ पंत ने 43 रन बनाए 29 गेंदों का सामना किया, ऋषभ पंत कैप्टन भी हैं दिल्ली के, 7 चौके लगाए। फोगसन ने इनको आउट किया और महानोर ने इनका कैच लिया। ललित यादव ने 25 रन बनाए 22 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्का लगाया। रन आउट किया महानूर ने इनको। रोमान पावल ने 20 रन बनाए 12 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्का लगाया। मोहम्मद समी ने इनको LBW आउट किया। एक्स पटेल ने 8 रन बनाए 4 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए। फोगसन ने इनको आउट किया, मैथ्यू ने इनका कैच लिया। शरदोल ठाकर 2 रन बना सके 5 गेंदों का सामना किया। राशिद खान ने इनको LBW आउट किया। कुलदीप यादव 14 रन के साथ नॉट आउट रहे, 14 ही गेंदों का उन्होंने सामना किया, 1 छक्का लगाया। खलील अहमद कोई रन ना बना सके, पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी का शिकार हुए, मैथ्यू ने इनका कैच लिया। मुस्तफ़ीफ़ रहमान ने 5 गेंदों पर 3 रन बनाए और नॉट आउट रहे। मुकर्रर 20 ओवर में सिर्फ 157 रन बना सकी 9 विकेटों के नुकसान पर, और यूं गुजरात ये मैच 14 रन से जीत गया। तो चलते हैं हम जल्दी से गुजरात की बॉलिंग को भी देख लेते हैं कि कैसी रही आज उनकी बॉलिंग। गुजरात की जानब से मोहम्मद शमी ने 4 ओवर करवाए 30 रन दिए 2 विकेट ली। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर करवाए 22 रन दिए 1 विकेट ली। फोगसन ने 4 ओवर करवाए 28 रन दिए 4 विकेट ली। राशिद खान ने 4 ओवर करवाए 30 रन दिए 1 खिलाड़ी को आउट किया। वरुण ने 1 ओवर करवाया 7 रन दिए। विजय शंकर ने 1 ओवर करवाया 14 रन दिए। राहुल तिवाटी ने 2 ओवर करवाए 22 रन दिए। तो ये कारकर्दगी रही गुजरात के बॉलरों की और ये मैच जीता गुजरात ने 14 रन से।